हेलो व्यूअर्स, आज है 17 जुलाई, शाम के ना 4 बज रहे हैं। इधर से बारिश आ रही बड़ी तगड़ी, एकदम सारे पेड़ों के पत्ते साफ सुथरे हो गए। देखो तो बारिश आ रही जम के, ये देखिए एक तो कपड़े हमारे बाहर पड़े हैं, मैं उसे पापा ने रखे हुए, बताओ ये देखिए साफ सुथरे पेड़ पौधे हो गए। कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही, कारें भी धुल गई, चलो तो सामने कार है वो भी धुल गई, ये वाली भी धुल गई। बड़ी तगड़ी बारिश आ रही है, इसका इन्हें पूरी बालकनी गिल्ली हो गई मेरी। तो कार आई, बारिश का मौसम है, गाड़ियाँ जा रही हैं। वो देखिए 4 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम, ठीक है। तो चलिए मैं जा रही हूँ अंदर खाना खाने, मुझे सब भूख लग रही है, मैं खाना खाती हूँ। कैसे हैं आप? इस समय ये देखिए मसाला भून रही हूँ मैं, ये देखिए हल्दी नमक और धनिया पाउडर ये सब डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ प्याज, करके आ रही हूँ भी बताती हूँ, पहले डाल लेंगे, ठीक है। ये लग क्या नाक में झट के खट्टी आ जाती है, मिक्स कर लूँ पहले अच्छे से, फिर बता दूँ क्या कर रही हूँ। देखो ये मैंने काट के रखा है आलू और गाजर और ये मटर है, ठीक है। तो बस मैं पहले ये डालूंगी दो चीज़ें, क्यों डालूंगी, क्योंकि ना रात को मैंने बनाए थे चावल 1.5 गिलास, हम 1 गिलास बनाते हैं ना तो सबको पूरे आ जाते हैं, कई बार थोड़े कम भी पड़ जाते हैं पर पूरे आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि रात को मैंने बड़ा पतीला था, मैंने 1.5 गिलास बना लिया, देखो ये बड़ा वाला पतीला था, 1.5 गिलास चावल में इतने सारे चावल बचे हैं बड़ा। तो मैं सोच रही हूँ अभी इन चावलों को हम फ्राई कर लेते हैं, तभी ये काम आएंगे ना, मतलब काम भी आ जाएंगे और सबका पेट भी भर जाएगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। तभी सामान काट रही थी बैठ के मैं, ठीक है। बस ये अच्छे से मैं गैस तेज़ कर देती हूँ, मैं ये बस फ्राई कर लूँ चावल ये डाल के। अभी शिमला मिर्च काटनी है वो भी डालूँगी, तो वो मैंने कहा ये दोनों चीज़ें जब गलने के लिए डालूँगी ना तब खड़े खड़े शिमला मिर्च भी काट ही लूँगी। तो चलो पहले मैं ये काम कर लूँ, एक मैंने नुकसान कर दिया आज आपको दिखाती हूँ। ये ना चिया सीड भिगोने थे तो गलती से मैंने करा के ये रह दिया था, ठीक है। ये भिगो दिए मैंने, रात को नहीं भिगोए, अभी भिगोए हैं। पर क्या करा कि मैंने ना गलती से क्या करा, वो काली मिर्च वाला डिब्बा नीचे पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा चिया सीड है नीचे रखा हुआ किसी ने, मैंने आके मतलब पता नहीं ध्यान कहीं और होगा, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें भिगो दिया। देखिए काली मिर्च एक में, मैंने कहा इसका कलर क्यों चेंज है, बिल्कुल ऐसे बुरादे जैसा क्यों है, मतलब ध्यान से देखा तो वो डिब्बा किसका था, काली मिर्च का। 1 चम्मच भर के काली मिर्च पानी में डाल दी मैंने, फिर मैंने गिलास चेंज किया, वो शीशे के गिलास में डाली थी, फिर गिलास चेंज करके मैंने इसमें डाली। मैं अब इसको क्या करूँगी, कहीं ना कहीं खाने में खाना तो बनाना ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लूँगी, और क्या करना, फेंकूँगी थोड़ी 1 चम्मच काली मिर्च। चलो अब मैं पहले काम कर लेती हूँ। चावल मेरे रेडी हो गए, शिमला मिर्च भी काट के डाल दी थी मैंने, और जो पहले वो काली मिर्च है ना वो सारी ज़्यादातर इधर ही खप गई सारी, क्योंकि मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, काली मिर्च से ही काम चला लिया। तो देखो जरा सी बची है बस, वो भी मैं किसी दाल सब्जी में डाल लूँगी, इतनी सी बची सारी यूज़ कर ली मैंने, ठीक है। मैं कहता था ना खाने में कहीं ना कहीं, अब ये सबको सर्व कर देती हूँ क्योंकि खाना पहले ही लेट हो गया मेरा। बस चावल का काम तो हो गया, मैं बना रही हूँ लस्सी, एक बार तो बना के देती है, अब मेरी और मेरे हस्बैंड की बननी है। उस पहली वाली लस्सी में ना फ्लैक्सीड डालना भूल गई थी, तो डाल के दे आई हूँ मैं, अब ये डाल रही हूँ चाट मसाला, ठीक है। उसके बाद डाल रही हूँ इसमें काला नमक, ठीक है। उसके बाद डाल रही हूँ इसमें फ्लैक्सीड, मैं भूल गई थी डालना, ठीक है। ये फ्लैक्सीड डल जाते हैं ना तो सही जाता है, बस अब इसको घुमाएंगे लस्सी को और बना लेंगे फिर लस्सी। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? 4 बज रहे हैं, मैं ना दोपहर का खाना लेके बैठी हूँ अपने, और सुबह से पता मैंने क्या खाया, सुबह से मैंने 2 कप चाय पी है और 1.5 ब्राउन ब्रेड खाई है और 2 बिस्कुट खाए हैं, सुबह से अभी तक यही खाया है। और अब अपना खाना लेके बैठ गई हूँ, ये रहा मेरा खाना, ये चावल इतने से लेके बैठी हूँ। पहले कहा मैं प्लेट भर भर के खाना खाती थी, याद है आपको, पहले जो मैं प्लेटें दिखाती थी उसमें से 1 प्लेट मेरी भी होती है, और अब मैं इतने से चावल लेके बैठी हूँ, ये भी खाने बड़े मुश्किल है, पता क्यों बताती हूँ। और ये गिलास है ना, मैंने अभी अभी सबको लस्सी दी है बनाकर, तो ये गिलास जम्बो गिलास है जम्बो, तो मैं सोच रही हूँ ये लस्सी का बना के रख लिया करूँगी, सारा दिन में थोड़ा थोड़ा सिप करते करते रात तक पूरा ख़त्म कर दिया करूँगी,
इससे क्या होगा कि भूख भी कम लगेगी, क्योंकि वैसे भी ये हेल्दी है। चीनी जो मैंने डाली थी इसमें, आपको दिखाया ही था, फ्लैक्स सीड, चिया सीड और जो है काला नमक और चाट मसाला, बस यही चार चीज़ें डाली हैं। और पहले मैं खाना खा लेती हूँ ये गिलास को साइड करके, फिर ही बात करती हूँ। ये जो खाना है ना, इसको क्या करना है, एक नया तरीका मैंने सीखा है, इससे क्या होता है आप खाना भी कम खाओगे और आपका वेट भी कम होगा। बताती हूँ क्या है, आप जैसे पहले हम खाते थे इतनी बड़ी बड़ी भुर्की भर के, याद है, अब खानी है आपको एक बारी में इतनी सी लेनी है, इतनी सी, और उसको 32 बार चबा के खाना है। 32 बार यानी कि पूरा अच्छे से चबाना है जब तक वो बिल्कुल सॉल्यूबल फॉर्म में ना आ जाए, मतलब लिक्विड ना बने, फिर उसको निकालना है। पहले हम क्या करते थे, एक भुर्की पकड़ी भरी, 2-3 बार चबाया या 5-6 बार चबाया और सीधा निगल लिया, मतलब पहले हम खाना निगलते थे। अब हमें इस खाने को स्वाद लेके खाना है, उस समय टीवी नहीं देखना है, क्योंकि टीवी देखते हुए तो वैसे ही खाना ज़्यादा खाया जाता है, कि लॉकडाउन में लोगों का वेट ज़्यादा इसलिए तो बढ़ा है क्योंकि घर ही रहे, बाहर निकले नहीं, और इस वजह से वेट बढ़ गया, ठीक है। और टीवी के सामने बैठ के खाना खाते रहे, वेट बढ़ गया, बाहर जाके वॉकिंग नहीं कर पाए, तो चलो वो तो जो है प्रॉब्लम है ही है, पर आगे से टीवी के सामने लैपटॉप के सामने बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चे मेरे खा रहे बैठ के, मैं उनको मना कर रही हूँ, पर वो जल्दी के मना होते नहीं हैं, अपनी मर्जी करते हैं मतलब, पर वो खाना हिसाब से ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। स्वाति तो वैसे ही बहुत कम खाती है, इतना नहीं खाती है, ठीक है। और पता क्या, अब जो है कनिका के ना, जब से यहाँ पर आई हुई है दिल्ली, तब से उसके बाल, अब मार्च से आई थी, मार्च 18 या 20 को आई थी वो, तो उसके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग गए यहाँ पर आकर, बहुत ज़्यादा, वो इतने ज़्यादा टूटने लग गए, उसने सारे पापड़ गेल के देख लिए, जो जो मतलब नुस्खे अपना सकती थी अपना लिए सर्च कर करके, पर वो बाल टूटने उसके बंद नहीं गए। तो धीरे धीरे उसे लगने लगा, पूरे ही जड़ से निकलते थे ऐसे करके, धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मैं ना एक दिन गंजी हो जाऊँगी, इस तरह ये हालात। तो फिर कहती मैं खुद ही गंजी हो जाती, मैं कहा ना हो बेटा ऐसे नहीं करते, खुद ही गंजे हो जाओ करके। तो फिर पता क्या, फिर वो इतनी मतलब ज़्यादा टेंस हो गई ना, तो उसने क्या करा, बोला कि ज़रूर शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो फिर डॉक्टर को दिखाया हमने, घर के पास ही जो हमारी फैमिली डॉक्टर, उसको दिखाया, उसने ना बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, और वो टेस्ट ऐसे थे कि काफ़ी महंगे भी थे, उसमें 3,500 के करीब लग गए हमारे टेस्ट में। क्योंकि पहले क्या होता था, हम चारों का, चारों मतलब कि मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, इनका सारा खर्चा, जब इनकी कंपनी जाए जॉब करते थे ना मेरे हस्बैंड, वो सारा खर्चा बचपन से लेके अब तक कंपनी ही देती है, चाहे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो चाहे कुछ हो, सारा खर्चा मतलब हमें ये दवाइयों का खर्चा नहीं पड़ता था मतलब इस तरह। पर जब से वो बच्चे 18 साल के हुए, तो दोनों का पत्ता कट गया। हुआ ये कि अब दोनों का जो है, उनको अपना, हमें जैसे नॉर्मल लोग दिखाते हैं अपनी कंसल्टेशन फीस देते हैं, फिर वो अपने टेस्ट कराते हैं तो उसकी फ़ीस देते हैं, वो सारा उन दोनों बेचारों को देना पड़ेगा। अब हम दोनों का फिर भी अभी है, अब इसके मेरे हस्बैंड होगा रिटायर, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का खर्चा तो म्यूचुअल दे देता है, पर उन दोनों का नहीं देता। अब जो टेस्ट कराए ना, वो सारे डॉक्टर की फ़ीस भी दी हमने, और जो टेस्ट कराया उसका भी करा, तो उसमें पता क्या निकला उसका, मुझे लग रहा था कोई बड़ी प्रॉब्लम ना निकला है, क्योंकि पता क्या होता है कैंसर में भी बहुत बाल टूटते हैं, डर लग रहा था वैसे, ठीक है, पर मेरे को लग रहा था होगा नहीं, फिर अंदर से एक डर लगता ही है। तो फिर क्या हुआ, ये भी लग रहा था हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, हो सकता है, पर निकला पता क्या है, वही खोदा बाहर निकली चूँ निकली, उसकी विटामिन डी की कमी निकला इसको, तो वो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो गया, मतलब इसकी जो है ना, तो 25 निकली है, जबकि 85 से 130 के बीच में होनी चाहिए विटामिन डी का वो परसेंटेज, है उसका 25 मतलब बहुत सीवियर उसका निकला है। और इसकी वजह से क्या होता है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और उसमें इसने सर्च किया था, इसे भी लग रहा था कि विटामिन डी की कमी ना हो, क्योंकि बहुत गूगल पे सर्च करती रहती है, तो इसे लगा कि जो बाल मेरे टूट रहे हैं ना, इस वजह से भी टूट सकते हैं। तो बात भी ठीक है, टेस्ट कराया तो विटामिन डी की कमी निकली, और वो डी की कमी क्यों हुई बता देती हूँ, ये जो लॉकडाउन के चक्कर में बेचारे सारे बच्चे जो घर में बंद रहे ना, बाहर निकले ही नहीं, बालकनी में भी जाके नहीं बैठे कि बंदा थोड़ी देर बालकनी में बैठे, पर सोचा नहीं था ना इस तरह से इतनी मतलब इस तरह की कमी निकल आएगी, इस तरह की विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो चलो पता लग गया, अभी आज सुबह ही रिपोर्ट मिली है, और शाम को डॉक्टर को दिखाएगी तो क्या करेगी, वो मेडिसिन लिख देगी, पर मैं भी इस पर सर्च करके कुछ ना कुछ अच्छा करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ इसी की प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों को हुई होगी, लॉकडाउन के चक्कर में जो लोग घरों में बंद हो गए, और जाके मतलब उन्होंने विटामिन डी एन के बाद धूप नहीं सेकी, पार्कों में नहीं जा पाए, और वो मतलब बालकनी में भी नहीं जा पाए बैठ के बैठे जाके, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ मैं लेकर आऊँगी आने वाले टाइम में कि वो
जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए। पर एक बात पे पंकज खुश थी, उसका इम्यूनिटी जो लेवल है ना वो बिल्कुल सही निकला, 9% आना था उसका 8.5% निकला। अभी मुझे कह भी रही थी मम्मी आपकी वजह से हुआ कि आपने इम्यूनिटी बूस्टर वाला वो बनाया था, और साथ में आजकल अभी मेरा इम्यूनिटी बूस्टर वाला ख़त्म हो गया, पाउडर काफ़ी दिनों से ख़त्म है, और वो मेरा वेट लॉस वाला बच्चे यूज़ कर लेते हैं। मैं कहा कर लो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कर लेते हैं वो यूज़, और अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दोबारा से। क्योंकि पता है क्या, ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ना तो आपको छोटी मोटी बीमारियाँ लगती ही नहीं है, जो सर्दी जुकाम कई लोगों को बार बार हो जाता है ना, तो इस तरह की कई छोटी बुखार चढ़ता रहता है लोगों को, तो इस तरह अगर आपके अंदर से अगर कोई बीमारी आपको आ भी गई है, अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप जैसे कोरोना ही है, मान लो कोरोना आया, अब जो कई लोग बेचारे मर भी गए, बहुत सारे ठीक भी हुए, ठीक कौन से हुए, जो यंग जनरेशन थी, मरे कौन से, जो बुजुर्ग लोग थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लोग जंग भी मरे हैं, मतलब जवान भी मरे हैं, पर यह है कि जिनकी इम्यूनिटी सही थी उन्होंने इस कोरोना से अपने आप को रिकवर कर लिया, मतलब वो ठीक हो गए, कोरोना हुआ भी पर फिर भी ठीक हो गए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मैं तो साफ कहती हूँ, क्योंकि अगर हम इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो बस हर बार कोई ना कोई बीमारी लगती ही रहेगी। तो ये आज बड़ी खुश हो रही थी, कहने का कि मम्मी मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल सही आई है, 8.5 आई है, जबकि 9% तक आ जानी चाहिए, बहुत सही आई है उसकी, बस उसका विटामिन डी की प्रॉब्लम आ गई है, अब उसके लिए वो जाएगी शाम को दिखाएगी डॉक्टर को। और मैंने ये देखिए जी लस्सी बनाई है अपने लिए, आजकल मेरे को वेट लॉस करने का भूख सवार हो गया, तो मैं वेट लॉस की बहुत सारे वीडियो देख रही हूँ आजकल, ठीक है। तो इसलिए खाना मैंने इतना से चावल ले लिया है, रात को भी मैंने पता क्या, रात को कल मैंने बनाए थे सोयाबीन होते हैं ना, उनको दोपहर को पानी में भिगो दिया था धो के, और शाम को मैंने वो इतने सॉफ्ट हो गए थे कि उबालने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी जब मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया रात को तो उसको बस मैंने थोड़ी सी सीटियाँ दिलवा दी थी, मतलब छोड़ लो कि गैस लो करके 15 मिनट करा दिया था, मतलब जब एक प्रेशर पड़ा 1 सीटी बजी तो क्या गैस लो करके 15 मिनट, क्योंकि मैं कच्चा बनना रह गया तो वो बहुत अच्छे से गल गए। तो वो सब्ज़ी के साथ फिर मैंने रात को बनाए थे चावल, चावल में बता रही थी हम बनाते हैं एक गिलास तो चारों को पूरे आ जाते हैं, कभी कभी कम भी पड़ जाते हैं, जो सबसे पीछे रह जाता है ना खाना खाने में उसको कम पड़ जाता है, ठीक है। आज कल मैंने ना फिर 1.5 गिलास बना लिए, मैंने कहा सबको भूख लग रही होगी आराम से खुले खा लेंगे, पर वो तो बहुत सारे बचे, अभी आपको दिखाए मैंने जो अभी करे इतने सारे बच गए थे, तो वो बचे क्यों थे वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ना कल छोटी वाली प्लेट में चावल लेके थोड़े से लेके खाए, पर उसमें से भी मेरे थोड़े बच गए, क्योंकि 32 बार चबाने वाली चक्कर में ना बहुत कम खाना खाया जाता है, क्योंकि इतनी देर चबाने में, और पता है क्या हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है 25 से 30 मिनट बाद कि आपका पेट भर गया, और हम लोग क्या करते थे कि फटाफट खाना बुरकिया डाली मुँह में निगल लिया, एक तरह से थोड़ा सा चबाया निगल लिया, तो हम लोग 10-15 मिनट में खाना ख़त्म कर देते हैं, तब भी हमें लगता है पेट नहीं भरा, हमारा पेट नहीं भरा। अगर आप एक इतनी सी बुरकी ले के थोड़ी सी इसको बहुत देर तक चबाते रहोगे ना, तो ये इतने से चावल ख़त्म करने में ही आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो कल तो मैंने जो चावल थोड़े से लेके बैठी थी ना उसमें से भी बच गए, क्योंकि मैंने कल लगाए थे खाने में 25 मिनट, तो आपको 25 से 30 मिनट खाने में लगाने हैं, खाने को बहुत ध्यान से देख कर स्वाद ले लेके खाना है, और उसको इतना चबाना है एक एक कौर को कि वो बिल्कुल पानी बन जाए, उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, दिमाग को सिग्नल भी मिल जाएगा, और आप कम खाना खाओगे, ठीक है। दूसरी बार की खाना खाने खाते खाते आपको हिचकी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका पेट भर गया, आपको और नहीं खाना, आपको खाना स्टॉप कर देना चाहिए, और हम लोग लालची लोग होते हैं ना, हम करते नहीं और पेट चूस चूस के खाते रहते हैं, जिसका नतीजा तो हमारे सामने है ही है, पर आने वाले टाइम के लिए हम अपने आप को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, पहले मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं, आज मेरा एप्पल साइडर विनेगर को भी हिलाना है, मैंने अपने ये देखो दोनों मर्दबान रात को ही खाली कर दिए थे, मैंने कहा था ना रात तक चलेंगे, बस 2 दिन चलता है, मुझे वो बताया था मैंने डिटॉक्स वाटर, ठीक है। तो उसको सारा मैंने निकाल दिया था, दोनों जग धो के रख दिया था, अभी दोबारा नया बनाना है, अलग बनाऊंगी इस बार वो अलग, हर बार अलग पियेंगे तो अच्छा भी लगेगा, हर बार सेम पियेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, बच्चों ने भी पिया था थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा मैंने पिया था, मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो मैं चलती हूँ अभी अपना काम कर दे, अभी मैं खाना तो खा लो पहले, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो यो, टाइम देखो टाइम हो रहा है 6:30 बज गए, हाँ 6:30 बजे, थोड़ी देर आराम करके आई हूँ, पीछे दर्द हो रही थी दवाई लगवाई रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। अभी ना मैंने बेसन घोला है, बेसन में मैंने ये प्याज टमाटर हरी मिर्च और क्या कहते हैं इसे गाजर और बंद गोभी ये काट के मैं गई थी यहाँ से, काट के निकली थी, अब ये मैंने बेसन घोल के मैं बना रही हूँ बेसन का पूरा, क्योंकि एक तो मुझे लग रही है भूख, ठीक है, दूसरा चाय का टाइम हो गया, तीसरा ये है कि बेसन जो होता है वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं बेसन का पूरा बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा घी तो डालना ही पड़ता है, ठीक है। चलो मैं बनाती हूँ बेसन का।
हेलो व्यूअर्स, ये देखिए पांच कड़छियाँ डाली हैं इसके ऊपर। मैं कहा थोड़ा बड़ा ही बना लेते, सबको एक एक दे देती हूँ। और कल पता क्या किया था मैंने, कल दोपहर को वो जो होती है मूंगी की दाल, मूंगी होती है ना, मूंगी की दाल, उसको मैंने धो के भिगो के रख दिया था, मूंगी की मतलब दाल को। उसके बाद वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई, पानी उतना ही डाला जिसमें वो भीग सके। बाद में मैंने रात को उसको ना ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद बैटर तैयार हो गया, तो मैंने कल मूंग की दाल के चीले बनाए थे। पूरा एक पतीला भर गया था मेरा उससे, उसके बैटर से। और वो मूंग की दाल के चीले, उसमें मैंने फिर वही डाला, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाला था। और उसके बाद इतने स्वाद, इतने फ्लफी मतलब बने ना, इतने सॉफ्ट बने ना कि मतलब वो ऐसे ही खाए जा रहे थे। मतलब हर बात में मतलब नहीं कि वो मतलब बिना चटनी के ही इतने टेस्टी लग रहे थे कि वो सारे बैटर मैंने रात को ख़त्म करा और सबको ढाई ढाई मिले। ठीक है, और काफ़ी उस समय गरम गरम तो खाए जाते हैं, बाद में पता लगता है कि पेट कितना भर गया। फिर भी रात को फिर मैंने खाना बना ही लिया था, मैंने कहा अभी पेट भरा लग रहा है, तो एक डेढ़ घंटे यहाँ सबको भूख लगने लग जाएगी, फिर मेरे को मुश्किल हो जाएगी। उसको मैं धीरे धीरे ज़रा पलटने की कोशिश करती हूँ, हो रहा है आराम से। एक बार ये बेसन का ना, ये तो आराम से बन जाता है, थोड़ा उसका ज़रा केयर करनी पड़ती है। चलो जी, मूंग का तो बना बहुत ही अम्मी था, बहुत सॉफ्ट बना था, येलो कलर का। मैंने कहा चाय का टाइम है, सबको एक एक दे देते हैं। ठीक है, और मेरे को भी भूख लग रही है, मैंने थोड़े से चावल खाए थे ना, तो भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब अब आदत है नहीं, धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। चलो मैं इसको जो है बना लेती हूँ सबको, फिर चाय बनाऊँगी सबके लिए, एक एक बना के उसके बाद चाय बनेगी। बस ये देखिए लास्ट वाला था मेरा, कितना बड़ा बना है, काफ़ी बड़ा मिल गया मेरे को, क्योंकि लास्ट में जो बैटर बचा था वो मुझे ख़त्म करना था, तो मैंने सबको दे दिया एक एक, उनको छोटा साइज में मिला, मेरे को बड़ा मिल गया। चलो मेरा पेट भर जाएगा ना फिर। ठीक है, और मैं अब चाय बना रही हूँ दूसरी साइड, और उसके बाद फिर बाकी काम कर।